नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 आर्टिकल्स यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। पहला आर्टिकल है पेन फ्रॉम प्राइसेस। भाई, रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन, ये दोनों जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। अभी चल रहा है दिसंबर, यहाँ पे बेसिकली नवंबर के कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उनको अक्टूबर से कंपेयर किया गया और पिछले साल से कंपेयर किया गया, और ये बताया जा रहा है कि अभी भी इन्फ्लेशन बिल्कुल स्टेबलाइज होने के मूड में नहीं लग रहा है। तो रिसेंटली सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्सेस को कम किया था, इसको और कम करने की जरूरत है। इसके कंटेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रबलिंग क्वेश्चंस। अभी रिसेंटली हुआ यह है कि CBSE का इंग्लिश का एग्जाम हुआ 10th क्लास के बच्चों का, और वहां पे एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछ दिया गया, कुछ रिग्रेसिव और सेक्सिस्ट टाइप के सवाल पूछे गए। जैसे कि एक सवाल पूछ दिया गया कि भाई हमारे देश में जो वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, उसके चलते वुमेन को इंडिपेंडेंस मिली है। इंडिपेंडेंस मतलब कि वुमेन अपने मन के हिसाब से काम कर सकती हैं, घर से बाहर निकल सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं। अब इस इंडिपेंडेंस की वजह से सारी सोशल और फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक ऐसा सवाल यहाँ पे पूछ दिया गया। फिर यहाँ पे पूछा गया कि इमेंसिपेशन ऑफ द वाइफ, एक वाइफ का हस्बैंड के रिस्पेक्ट में ज्यादा एम्पावर्ड होने से बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस प्रकार के बहुत ही रिग्रेसिव सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे, ये जो CBSE का इंग्लिश का एग्जाम हुआ है। तो इस कंटेक्स्ट में CBSE जैसे ऑर्गेनाइजेशन से इस प्रकारों के सवालों की उम्मीद नहीं है। तो ये एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करते हैं। और 10वीं क्लास का बच्चा क्या ही जवाब देगा यहाँ पे, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए जब ये क्वेश्चन उनके सामने आया। तो एक इस टॉपिक को देखेंगे। हालांकि जब CBSE से सवाल पूछा गया तो CBSE बिल्कुल सकते में आ गई और बोला कि हम क्वेश्चन ड्रॉप कर देंगे, बट ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, इस प्रकार के सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए थे। फिर सवाल के पूछने के कंटेक्स्ट में एक और न्यूज यहाँ पे निकल के आती है। यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई CBSE ही इन्वॉल्व है। CBSE का ये जो क्लास 12th का सोशोलॉजी का जो बोर्ड एग्जाम पेपर था, वहां पे फिर एक इनअप्रोप्रिएट सवाल पूछ दिया। किसने? CBSE ने। इनअप्रोप्रिएट सवाल क्या था? The unprecedented spread and scale of anti-Muslim violence in Gujarat in 2002 took place under which government? अब समझिए, 2002 में जो गुजरात वायलेंस हुए थे, इनको पहली बात anti-Muslim बोला गया, और किस सरकार के अंदर हुए थे ये पूछ लिया गया। इसके लिए NCERT ने recently माफी मांगी है। लेकिन यहाँ पे जो author है, जिनका नाम है आपका अभिजीत पाठक साहब, ये सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं JNU नई दिल्ली में। तो ये बोल रहे हैं कि जब NCERT ने सोशियोलॉजी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ दिया था, तो बाद में माफी मांगने की क्या जरूरत है। NCERT यहाँ पे माफी मांग रहा है। NCERT की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भाई देखिए, NCERT जो भी क्वेश्चन बनाएगा वो प्योरली अकेडमिक होने चाहिए, वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल नजर आ रहा है, तो यहाँ पे NCERT ने माफी मांग ली। बट सवाल ये उठता है कि NCERT माफी मांग ही क्यों रहा है। अब इस हिसाब से यहां पे अभिजीत पाठक साहब ने बोला है कि अगर सिर्फ ये पूछ देने भर से कि ये एंटी मुस्लिम दंगे गुजरात में किस गवर्नमेंट के अंदर हुए थे, अगर ये पूछने भर से माफी मांगनी पड़ जाए NCERT को, तो आप ये भी नहीं बात कर सकते कि हमारे देश का बंटवारा क्यों हुआ, आप ये भी नहीं बात कर सकते कि गांधी जी को हमारे यहाँ पे क्यों माना गया, टू नेशन थ्योरी VD सावरकर की इसके बारे में बात नहीं कर सकते, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं कर सकते, दिल्ली में एंटी सिख राइट्स हुए 1984 में उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो कुल मिला के NCERT ने क्वेश्चन पूछ दिया था। NCERT को बाद में माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, ऐसा अभिजीत पाठक साहब बोल रहे। तो इस आर्टिकल को भी एक बार देख लेंगे। फिर एक आर्टिकल और है, द फाइट ओवर कोल इन तेलंगाना। देखिए, ये पर्टिकुलर जो न्यूज है, एक कंपनी है सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड। ये जो कंपनी है प्योरली सरकारी है, इसका 51% स्टेक्स राज्य की सरकार के पास है, तेलंगाना की राज्य सरकार, और 49% स्टेक्स केंद्र की सरकार के पास है। अब ये जो सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड है, ये कोल माइंस ढूंढती है, उसके बाद कोल की माइनिंग करती है। 4 कोल माइंस जो इसने ढूंढी थी, उसको ऑक्शन किया जा रहा था प्राइवेट प्लेयर्स को। इस बात पे सिंगारेनी कोलरीज कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो धरने पे बैठ गए। इनका ये बोलना है कि भाई माइन हमने ढूंढी है, तुम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को क्यों ये माइन हैंडओवर कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। रिसेंटली इन्होंने एक स्ट्राइक भी कंडक्ट की, और एफ्सपा को लेके फिर से गर्मा गर्मी हो गई है। नॉर्थ ईस्ट में फिर से लोग एजिटेशन कर रहे हैं कि एफ्सपा को बिल्कुल हटा दिया जाए।
तो ये क्या टॉपिक है, एस्पा की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, पहले क्या क्या गलत इंसिडेंसेस हुए हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में, क्या किसी इंसिडेंस में आर्म्ड फोर्सेस को सजा दी गई है, इन सब बातों को यहाँ पर खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द फाइट ओवर कोल इन तेलंगाना। भाई वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, इससे काफी मदद मिलती है। वीडियो पे कमेंट करके आप अपने व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। और ज्वाइन बटन दबा के प्लीज हेल्प करें, उससे काफी मदद मिलती है इफ यू कैन। ठीक है, चलिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू हॉल्ड द एंट्री ऑफ प्राइवेट कंपनीज इनटू द सिंगारेली कोल बेल्ट रीजन। देखिए अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही एक बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक करी गई है ट्रेड यूनियंस के द्वारा। किसके ट्रेड यूनियंस के द्वारा? स्टेट ओन्ड सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड। तो सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के जितने भी ट्रेड यूनियंस है वो स्ट्राइक पे निकल गए। स्ट्राइक पे क्यों निकले? तो भाई इनका ये बोलना है कि जो 4 कोल ब्लॉक्स हैं जिसको सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने ढूंढा है, इनके अंदर से कोल की माइनिंग करने की जो ताकत है वो भी सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के पास होनी चाहिए, आप प्राइवेट कंपनियों को ये ताकत मत दो। और इसके लिए आप कह लो कि एक स्ट्राइक कंडक्ट की थी यहां पे, ये स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी सिंगारेनी कॉलरीज एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा। ये जो SCEU है ये एफिलिएटेड है सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस के साथ, ठीक है। और आप कह सकते हो कि दिस SCEU इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रेड यूनियंस ऑफ ज्वाइंट एक्शन कमिटी। इस ज्वाइंट एक्शन कमिटी ने 72 घंटे की स्ट्राइक करवाई थी दिसंबर 9 से लेके 11 दिसंबर तक। तो 9 से 11 दिसंबर तक यहां पे स्ट्राइक हुई थी और ओवरऑल आप देखो तो स्ट्राइक का काफी इंपैक्ट पड़ा था। इस स्ट्राइक के चलते ओवरऑल आप देखो सरकार को 4.5 लाख टन ऑफ कोल का नुकसान हुआ, 120 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हुआ, क्योंकि जब वर्कर्स काम करने गए नहीं तो कोल का प्रोडक्शन हुआ नहीं, मार्केट में कोल बिका नहीं तो पैसा आया नहीं, समझ गए। यहां पे जो JAC है इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि भाई जो कोल मिनिस्ट्री ये 4 कोल ब्लॉक्स को प्राइवेट कंपनियों को देने की बात कर रहा है, इस चीज को यहां पे रोक दो। अगर आप सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के काम की बात करो तो तेलंगाना के अंदर जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनको कोयला प्रोवाइड करना और आसपास के स्टेट के जो पास के थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको यहां पे कोयला प्रोवाइड करना। और सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के जो फ्यूचर प्लान है वो थोड़े ग्रांड है, इनके काफी एम्बिशियस प्लान है। इनका मूड है कि बहुत सारी और नई कोल माइंस को खोलेंगे और अपने ऑपरेशंस को स्टेट के बाहर तक फैलाएंगे। इनके कुछ एम्बिशियस टारगेट्स हैं जैसे कि कोल प्रोडक्शन को 850 लाख टन पर एनम तक लेके जाना, हालांकि इस पर्टिकुलर ईयर के लिए जिसमें हम लोग अभी हैं 680 लाख टन की आप कह लो प्रोडक्शन टारगेट बना रखा है किसने? SCCL ने। तो SCCL यहाँ पे एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि SCCL घाटे में चल रहा है और ओवरऑल इससे सरकार नाराज है, नहीं। इन कोल माइनिंग में काफी अच्छा काम कर रही है कंपनी और यही बोलना है इनका SCCL का कि भाई देखिए ये जो 4 कोल माइंस आप प्राइवेट प्लेयर्स को देने की बात कर रहे हो, इन 4 कोल माइंस को एक्सप्लोर करने में SCCL ने काफी मेहनत लगाई है, काफी दम लगाई है, तो जब हमने इनको ढूंढा है तो ओवरऑल यहाँ पे कोयले की माइनिंग भी हम ही करेंगे, बस ये यहाँ पे बताया जा रहा है। हालांकि सरकार चाहती है कि ओवरऑल इसकी माइनिंग का ठेका 4 कोल ब्लॉक्स का प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए, इसलिए 72 घंटे की स्ट्राइक हुई और अभी यहाँ पे ओवरऑल और वार्निंग इशू की गई है कि स्ट्राइक आगे एक्सटेंड हो सकती है। इनफैक्ट बहुत लंबे समय से ये डिमांड चल रही है कि तेलंगाना की सरकार कैपिटल दे के पूरी तरीके से ओनरशिप SCCL की अपने अंडर ले ले, नहीं तो केंद्र की सरकार तो इसको भी प्राइवेटाइज कर सकती है, ठीक है। आपको पता है कि केंद्र की सरकार प्राइवेटाइजेशन स्प्री पे चल रही है और SCCL के लोग नहीं चाहते कि SCCL यहाँ पे प्राइवेटाइज हो। अगर देखा जाए SCCL के बारे में तो आप देखोगे कि लास्ट फिस्कल ईयर में 11,920 करोड़ की कोयले के सील की है SCCL ने, कब? आप कह लो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 में 11,920 करोड़ का कोयला बेचा है जो कि 67% ज्यादा है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कम क्यों हो गया? बिकॉज मतलब कोरोना का पैंडेमिक और बाकी चीजें हैं। और देखो तो कुल मिला के आप देखिए तो SCEU का स्टैंड है 4 कोल ब्लॉक्स को प्राइवेट कंपनियों को मत दो, सरकार प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक इशू ऐसा आ गया है, इस इशू में क्या होगा क्या नहीं होगा भाई आगे देखा जाएगा। ये जो 4 कोल ब्लॉक्स को प्राइवेट कंपनी को देने की बात की जा रही है इसमें लगभग 770 मिलियन टन कोयला है
और 470 मिलियन टन कोयला, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। ज्यादातर जो ट्रेड यूनियन है, इनफैक्ट आरएसएस एफिलिएटेड जो ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, वो भी यहाँ पे नहीं चाहता कि SCCL की कोल माइंस में कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ज्यादा हो, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा इंटरफेरेंस हो। अगर आप सिंगारैनी कोल बेल्ट की बात करो तो वहां की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कोल के फील्ड में SCCL ही है, और ये नहीं चाहते कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो, ये प्राइवेटाइजेशन का थ्रेट नहीं चाहते, ये बोलते हैं कि हम सरकारी सेटअप में ही चीजों को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, लूजिंग द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, द CBSE रीसेंट अपॉलॉजी फॉर एन एग्जाम क्वेश्चन इज वरिंग। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एजुकेशन की स्पिरिट की अगर बात की जाए तो देखिए पेडागॉजी, पेडागॉजी का मतलब क्या होता है, पढ़ाने का तरीका, आप कैसे पढ़ा रहे हो। जैसे कि मैं आपको चीजें बताता हूं तो मेरी एक पेडागॉजी है, मैं आपको एक तरीके से चीजें बता रहा हूं, स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूं, चीजों को तोड़ के आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करता हूं, इसको पेडागॉजी बोला जाता है। इस पेडागॉजी में क्रिटिकल थिंकिंग और ह्यूमनिस्टिक सेंसिबिलिटीज इन्वॉल्व होती है, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी में पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये क्रूड फॉर्म में हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, तब वो अपना एक पॉलिटिकल और एनालिटिकल व्यू पॉइंट बना पाएंगे। अब इस कंटेक्स्ट में रिसेंटली जो CBSE का 12वीं कक्षा का सोशियोलॉजी का बोर्ड एग्जाम पेपर हुआ, वहां पे सवाल पूछ दिया गया, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि भाई जो एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ था गुजरात के अंदर 2002 में, उस समय सरकार कौन सी थी। अब ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, देखिए कुछ हद तक तो नो डाउट ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया है, और सरकारों को इस बात से प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई ये क्या चीजें आप पूछ रहे हो। तो NCERT को जब क्रिटिसाइज किया गया तो NCERT ने यहाँ पे माफी मांग ली, NCERT ने बोला कि चीफ ठीक है भाई हम आपकी बात मानते हैं, हमें इस प्रकार का सवाल नहीं पूछना चाहिए था, ये एक पॉलिटिकल सवाल है, हम बस एकेडमिक सवाल पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर बस यही बोल रहा है कि यार ये क्या तरीका है, अगर आपने सवाल, एक तो भाई ऑथर आपके सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, और सोशियोलॉजी के प्रोफेसर ऑब्वियस ही बात है सारे सोशल इश्यूज को कोर फॉर्म में दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज छुपा के ये बात नहीं करते। तो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया था, इसमें इनअप्रोप्रिएट क्या है, ऐसे तो हमारे देश में बहुत सी चीजें इनअप्रोप्रिएट है, सोशियो पोलिटिकल आइडियाज, सेक्युलरिज्म, कल्चरल प्लूरलिज्म, रिलीजियस नेशनलिज्म, इन सब चीजों को समझने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म, रिलीजियनिज्म, ये सब देखना पड़ेगा आपको, कास्ट सिस्टम की क्या सच्चाइयां हैं ये देखनी पड़ेंगी। तो अगर ऐसे आप हर चीज में माफी ही मांग लोगे और ओवरऑल चीजों को प्योरली एकेडमिक ओरिएंटेड रखोगे तो फिर तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। VD सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो टू नेशन थ्योरी दी थी वो भी जानने की जरूरी नहीं है। पार्टीशन के समय पे किस हद तक वॉयलेंस हुआ था, लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, रेप कर रहे थे, ये भी जानने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन किया गया हिंदू फैनेटिक के द्वारा नाथूराम गोडसे, तो इससे हिंदू नेशनलिस्ट नाराज हो जाएंगे अगर आप महात्मा गांधी के असैसिनेशन की बात करोगे, तो ये भी जानने की जरूरत नहीं। इमरजेंसी के समय पे क्या हुआ था ये भी जानने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ये भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दलित क्लास के साथ क्या होता है, औरतों किस प्रकार से इंडिया के अंदर दबाया जाता है, ये भी जानने की जरूरत नहीं। मतलब इनका ये बोलना है ऑथर का कि देखिए सोशियोलॉजी की पढ़ाई में सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप कैसे उसको इन्फर करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप किसी चीज को जबरदस्ती छुपाओ मत। तो इस बात में यहाँ पे ऑथर खासा नजर आ रहे हैं कि NCERT ने माफी क्यों मांग ली इस बात पे कि भाई अगर चलो उन्होंने पूछ भी लिया था कि गुजरात रॉयट्स के समय पे गवर्नमेंट कौन सी थी तो लोगों को बताने, तो यहाँ पे माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। अब इस पर्टिकुलर न्यूज को लेकर सबने अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या सोशियोलॉजी के पेपर में NCERT को ये पूछना चाहिए कि भाई 2002 में ये जो एंटी मुस्लिम दंगे हुए थे वहां पे कौन सी सरकार थी उस समय पे पावर में, क्या ये क्वेश्चन एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है आपके हिसाब से, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी और इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ देखो है नहीं, ठीक है ना, जितनी काम की चीज थी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको बता दी थी। बाकी यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है कि हाँ भाई पेडागॉजी को कैसे इंप्रूव किया जाए बच्चों की, तो वैल्यू न्यूट्रल एकेडमिक्स को डीमाइथोलॉजी करो, मतलब कहने का मतलब ये है कि पेडागॉजी को क्रिटिकल पेडागॉजी करो, बच्चों की सोचने की पावर आगे बढ़ाओ, उनसे कोई चीज छिपाओ मत, प्योरली चीजों को एकेडमिक करने की कोशिश मत करो, उस एकेडमिक पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल और बाकी जितने सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हैं वो इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी एक यंग लर्नर
क्रिएटिव तरीके से सोच के चीजों को समझेगा, ना कि केवल फैक्ट्स को मेमोराइज करेगा, और तब हमारी रियल डेमोक्रेसी उभर के आगे आएगी। समझ गए? नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नीडेड रिपील ऑफ एफ्सपा नॉट रिग्रेट। देयर हैव बीन स्कोर्स ऑफ सिविलियन किलिंग्स इन द नॉर्थ ईस्ट सिंस एफ्सपा केम इनटू फोर्स। क्या कहा जा रहा है भाई? देखिए, एफ्सपा को रिपूल करने की जो डिमांड है ना, उसने फिर से आग पकड़ ली है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी रैलियां हो रही हैं। जो चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के, वो भी यहाँ बोल रहे हैं एफ्सपा हटाओ। जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, सॉरी मेघालय के चीफ मिनिस्टर है, वो भी बोल रहे हैं एफ्सपा हटाओ। आसाम में भी कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं एफ्सपा हटाइए। ये आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिख रहा है गुवाहाटी में, जहां पे एफ्सपा को हटाने के लिए ओवरऑल एजिटेशन हो रहा है। अब ओवरऑल ये सब चीजें आग क्यों पकड़ ली है? तो ये जो मून डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की, वहां पे एक इंसिडेंट हो गया था। कुछ वर्कर्स की जान चली गई, कुछ सिविलियंस की जान चली गई, एक आर्मी के पर्सनल की जान चली गई। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। केंद्र की सरकार ने बोला है कि भाई 4 दिसंबर को ये इंसिडेंट हुआ जिसमें 14 सिविलियंस की जान गई, ये एक मिस्टेक थी, एक इंटेलिजेंस फेलियर हो गया था यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे चीजें हो गई। समझ गए? लेकिन जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, इन्होंने ये बोला है कि देखिए आर्मी का एक्शन इसलिए हुआ, फायरिंग इसलिए यहाँ पे करी गई, क्योंकि जब उस व्हीकल को जिसके अंदर लोग बैठे थे, जब उसके ऊपर गोलियां चलाई गई, जब उस व्हीकल को रुकने को बोला गया, लोगों को बाहर निकलने को बोला गया, तो वो रुके नहीं, बाहर नहीं निकले, इसलिए यहाँ पे आर्मी ने गोलियां चला दी। तो कुछ हद तक होम मिनिस्टर ने यहाँ पे आर्म फोर्सेस को डिफेंड किया। ओके, जो तीरु और ओटिंग विलेजेस ऑफ तिजत सब डिविजन ऑफ मोन डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, उनको दे आर वेरी मच यूज टू सिक्योरिटी चेक्स। वहाँ पे बहुत सारी फोर्सेज, इंडियन आर्म फोर्सेज की डिप्लॉयड है, बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स है, तो अक्सर कर वो उनकी चेकिंग वगैरह होती है और वो अपने घर पे जाते हैं। अब यहाँ पे शूटिंग का जो सर्वाइवर है वो बोलता है कि आर्मी पर्सनल ने बिना किसी वार्निंग के यहाँ पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, नागालैंड के अंदर जो नागालैंड की पुलिस है उसने एक FIR फाइल की इन 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के अगेंस्ट जो यहाँ पे फायरिंग में इन्वॉल्व थे। इनका यह बोलना है कि भाई इन पैरा फोर्सेस ने ओवरऑल बिना किसी वार्निंग के पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी, किसी को मौका नहीं दिया आगे निकलने का। आर्मी ने बोला है कि देखिए हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी इस पर्टिकुलर मतलब मूवमेंट की, हमें यह बताया गया था कि ऐसे ही एक व्हीकल में इंसर्जेंट्स आगे आएंगे, काफी एंटी सोशल काम करेंगे, इसलिए हमने उनको यहां पे ब्लॉक करने की कोशिश की। और कुल मिला के एंड में जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट यहां पे हो गया है, तो ओवरऑल लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा है? लोगों को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जो कि देखिए एफ्सपा के चलते यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेक्टेड है। अब चूंकि आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेक्टेड है, तो इस इंसिडेंट के लिए आर्म्ड फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, इसीलिए लोग नाराज है कि भाई ये सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ भी करके आगे निकल जाती है। देखिए अभी भी क्लैरिटी नहीं है, वी आर आउटसाइडर्स। जो नागालैंड के अंदर जमीन पे है उसको शायद हो सकता है कुछ पता हो, लेकिन हम तो बाहर है ना भाई, हम तो वही सब देख रहे हैं जो पेपर में निकल रहा है। इसकी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी रिजल्ट तक हम जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो कि नागालैंड में नहीं है, बाहर से इस न्यूज को सुन रहे हैं, हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आप देखें तो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, जब से एफ्सपा लागू हुआ है नॉर्थ ईस्ट की जगहों में सिविलियन किलिंग्स हुई हैं। जो नागा हिल डिस्ट्रिक्ट है 1958 में यहाँ पे एफ्सपा लागू हो गया था, और तब से यहाँ पे काफी किलिंग्स हुई हैं, और उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे देके रखे गए। और ये जो किलिंग अभी मून डिस्ट्रिक्ट वाला इंसिडेंट हुआ है, ये इसलिए भी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये एक ऐसे समय पे हुआ है जिस समय पे चीजें काफी पीसफुल है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा था और उसके बीच में यहाँ पे ये कांड हो गया। अगर कोई लड़ाई जैसा माहौल होता है, इंसर्जेंसी चल रही होती, वहां पे कांड होता तो एक अलग चीज होती, बट पीस के बीच में कांड हुआ है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि लोग काफी वल्नरेबल है। वल्नरेबल कैसे? कि पीसफुल के बीच में एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बेसिस पे इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया और लोगों की जान चली गई, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे कुछ पुराने इंसिडेंसेस को याद किया जा रहा है। 1995 में 9 इनोसेंट सिविलियंस को CRPF द्वारा मार दिया गया था इन फ्रंट ऑफ रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल में। 2000 में 10 सिविलियंस 8th आसाम राइफल्स द्वारा मार दिए गए थे मलोम लेकई में, ठीक है, जब एक ब्लास्ट हुआ था इम्फाल के तुलिहल एयरपोर्ट में। और इस पर्टिकुलर 10 सिविलियंस की मृत्यु के बाद ही एक 16 साल का फास्ट शुरू किया था इरम शर्मिला ने, ठीक है। इरम शर्मिला जी का नाम आपने सुना होगा, आप तो कह रहे हैं नहीं है। मणिपुर हाईकोर्ट ने ओवरऑल जितने भी लोग यहाँ पे मरे थे इनको इनोसेंट बताया था, जिनको आसाम राइफल्स द्वारा मारा गया, और इनकी फैमिलीज को यहाँ पे कंपनसेशन भी दिया गया था। फिर आप देखोगे 2000 का समय, एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स ने एक न्यूड प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया आसाम राइफल्स के ऑफिस के अगेंस्ट।
देखिए अपने आप में एक बड़ी बात है, औरतें कपड़े उतार के सामने आ जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो कंगला फोर्ट इम्फाल में जो ऑफिस था वहां पे एक्चुअली में हुआ ये कि थांगजाम मनोरमा करके एक लेडी है, इनका ब्रूटल रेप हुआ था, टॉर्चर किया गया था, इनको मार दिया गया था, ऐसा बताया जाता है कि इनको सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा मारा गया। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए जो औरतें थी वो अपने कपड़े उतार के आसाम राइफल्स के ऑफिस के सामने आ गई, तो एकदम से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। खुद मनमोहन सिंह को आना पड़ा इम्फाल में, और इम्फाल में आके मनमोहन सिंह ने खुद एश्योरेंसेस दिए कि हम इस एफ्सपा एक्ट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसकी बजाय एक नया ह्यूमेन लॉ, अच्छा लॉ लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हुई कि मनमोहन सिंह जी ने जैसा बोला वैसा उन्होंने किया, उन्होंने जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी बनाई ये देखने के लिए कि क्या एफ्सपा का लागू होना जरूरी है, क्या एफ्सपा के बजाय कोई दूसरा लॉ लाया जा सकता है। और इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए कि भाई एफ्सपा सही नहीं है, एफ्सपा को रिपील करिए। लेकिन ऑब्वियस ही बात है नेशनल सिक्योरिटी कंसीडरेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया और एफ्सपा को यहां पे रिपील नहीं किया गया। तो आप समझिए मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने एश्योरेंसेस दी कि भाई हम रिकंसीडर करेंगे एफ्सपा के इंप्लीमेंटेशन को, कमेटी भी बनाई, कमेटी ने बोला कि एफ्सपा हटा दो, लेकिन एफ्सपा नहीं हटाया गया। वजह क्या थी, वजह देखिए सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है, ओके, तो इन इंसर्जेंट्स को कंट्रोल करना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जिंदगी हेल ना बन जाए, इसके लिए यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना जरूरी है। कल की डेट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही ना अलग हो जाए, इसीलिए हमारी आर्मी वहां पे डिप्लॉयड है। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो एफ्सपा अब भी लगा हुआ है। 2016 में एक टू जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस मदन बी लोकर की और यूयू ललित की, उन्होंने एक हिस्टोरिक जजमेंट पास किया और बोला कि भाई ये जो मणिपुर है इनकी हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज ने प्लिया फाइल की है, और ये बोला है कि भाई देखिए बहुत सारे फेक इनकाउंटर्स हुए हैं मणिपुर के अंदर, बहुत सारी फेक किलिंग्स हुई हैं मणिपुर के अंदर, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ सुप्रीम कोर्ट की जजों ने बोला, और 1528 केसेस जो है एलिज्ड फेक इनकाउंटर्स के, जिसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है मणिपुर में 1997 से लेकर 2012 के बीच में, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करो। और यहाँ पे साफ साफ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि भाई देखिए एब्सोल्यूट इम्यूनिटी आपकी नहीं है फ्रॉम अ ट्रिब्यूनल कोर्ट, मतलब एफ्सपा लगा था इसलिए आपने किसी को गोली मार दी उसकी मौत हो गई, तो आप एफ्सपा के बेसिस पे बिल्कुल अपने आप को साइड नहीं कर सकते हो, अगर आपके खिलाफ साक्ष्य मिल गए हम आपको सजा सुना देंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। आसाम की बात की जाए तो नवंबर 1990 से एफ्सपा के अंदर है आसाम, और आसाम में भी इस प्रकार की किलिंग्स हुई हैं, ठीक है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंसर्जेंसी कर रहा था और उसके खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी एक्टिव थी, बहुत सारे इनकाउंटर में यंग लोगों की मौत हुई है, कहां पे, आसाम के अंदर, और ऐसी किलिंग्स को काफी हद तक डॉक्यूमेंट भी किया गया है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मानव अधिकार सुरक्षा समिति, ठीक है। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस अगर यहां पे मान लो अत्याचार कर रही है तो क्या कभी भी इनको सजा नहीं दी गई है? ऐसा नहीं है, इनको सजा दी गई है। एक केस था फरवरी 1994 में, सिक्योरिटी पर्सनल्स ने, ऐसा बताया जाता है कि 5 यंग लोगों ऑफ तालक एरिया ऑफ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट को मार दिया था, फाइनली इनको कोर्ट मार्शल किया गया था, लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया गया था। इनफैक्ट हुआ ये था कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को परस्यू किया था किसने, आसाम जातीय परिषद के लीडर जगजीत भुयान ने और ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने। हुआ यह था कि 9 यूथ्स को आर्मी ने पिकअप किया, क्यों पिकअप किया, तो ऐसा बताया जा रहा था कि इन यूथ्स ने मारा था जनरल मैनेजर ऑफ आसाम फ्रंटियर टी लिमिटेड रामेश्वर सिंह को तलब ऑफिस में। इन 9 लोगों को जो पिकअप किया गया था उसमें से 5 लोगों को मार दिया गया था, 4 लोगों को छोड़ा गया था, तो इन 5 किलिंग्स को लेके ओवरऑल जितने भी लोग आर्म पर्सनल्स के यहां पे इन्वॉल्व थे उनका कोर्ट मार्शल हुआ था जुलाई 2018 में, और 7 आर्मी पर्सनल्स इंक्लूडिंग अ मेजर जनरल को डिसमिस कर दिया गया था और उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस को सजा नहीं मिली है, लेकिन बहुत इक्के दुक्के केसेस जहां पे आर्म फोर्सेस को सजा दी गई है, बाकी सारे केसेस में लोगों का, एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ये वर्जन है कि आर्म फोर्सेस अत्याचार करती हैं और ओवरऑल इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होता है। तो ये पार्टिकल आर्टिकल हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट में फिर से एफ्सपा को रिपील करने की जो डिमांड है वो तेज हो गई। आगे बात करते हैं, पेन फ्रॉम प्राइसेस, मोर फ्यूल टैक्स कट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। भैया देखो
रिटेल और होलसेल दोनों प्रकार की इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात तुम जाने कब से कर रहे हैं। नवंबर का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन अक्टूबर में 4.48% था, नवंबर में आ गया 4.98%। इनफैक्ट अगर देखोगे तो अक्टूबर 2021 से कंपैरिजन में नवंबर 2021 का इन्फ्लेशन 0.73% ज्यादा था। और फूड और बेवरेज कैटेगरीज में 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसमें से 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमको मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन देखने को मिला है। फूड में इन्फ्लेशन एक बहुत मेजर प्राइसेस है, एनुअल बेसिस पे फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर में जो वेजिटेबल के दाम थे वो 7.4% बढ़ चुके थे, मतलब एक ही महीने के अंतराल में 7.4% वेजिटेबल के दाम बढ़ गए थे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखो तो सरकार ने क्या किया, तो सरकार बोलेगी कि भाई देखिए हमने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर, बट क्या उससे कुछ ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें अक्टूबर में इन्फ्लेशन था 10.90% और वो नवंबर में हो गया 10.02%, मतलब कि पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस कट करने की वजह से 0.88% यानी कि 88 बेसिस पॉइंट्स ही घटा है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी में इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अभी भी बहुत हाई है, प्लस क्लॉथिंग फुटवेयर हाउसिंग हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएशन हर जगह पे अगर आप देखो तो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, चाहे वो फूड का हो चाहे वो फ्यूल का हो, और ओवरऑल सीपीआई इस समय पे 6% के आसपास घूम रहा है। ये तो हमने बात की रिटेल इन्फ्लेशन की। होलसेल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वहां पे भी जो ओवरऑल सिनारियो है वो कोई बहुत ज्यादा आप कह लो अच्छा नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करो तो अक्टूबर में 12.5% था, नवंबर में पहुंच चुका है 14.2% को। ओके, तो परसिस्टेंट हाई WPI और CPI यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। WPI के अंदर आपको बेसिक मेटल केमिकल्स और केमिकल प्रोडक्ट टेक्सटाइल्स अलोंग विद मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन सब के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसके चलते आप देखोगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो महंगा होगा। देखिए होलसेल में ओवरऑल जो प्रोड्यूसर्स हैं जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उनके इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो इनपुट कॉस्ट को अपने प्रॉफिट में अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, वो फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में ये चीज हमको देखने को मिल रही है। पिछले महीने अगर आप देखो तो जो टेलीकॉम सर्विसेज है वहां पे चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में जब ओवरऑल चीजें महंगी होंगी तो जो होलसेल विक्रेता हैं जो बड़े स्केल पे चीजों को बना रहे हैं उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे तो वो अपने आउटपुट के भी चीजों को बढ़ा देंगे अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, जो रुपी है वो US डॉलर के सामने कमजोर पड़ रहा है, उसके चलते बाहर से जो तेल हम लोग इंडिया के अंदर इम्पोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे लिए महंगा होता जा रहा है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। और एक फाइनल आर्टिकल है ट्रबलिंग क्वेश्चन कास्टिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स। एक्चुअली में हुआ ये है यहाँ पे रिसेंटली CBSE का 10वीं कक्षा का एग्जाम हो रहा था अंग्रेजी का, और इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत ही रिग्रेसिव और सेक्सिस्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके पार्लियामेंट में भी बवाल हो गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने पूछा कि ये भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वुमेन को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो सोशल और फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगी। एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में वाइफ को अगर ज्यादा ताकत मिलती है तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, इस प्रकार के सवाल जो छोटे मोटे टीनेजर्स हैं गर्ल्स हैं बॉयज हैं जो कि छोटे क्लासेस में उनके दिमाग को खराब करते हैं, ओवरऑल उनको प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की तरफ नहीं जाने देते हैं, इस प्रकार की चीजों को CBSE जैसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं लाना चाहिए। हालांकि CBSE ने यहां पे रिग्रेट किया है, एक प्रकार से माफी मांगी, उन्होंने बोला है कि हम अपने पेपर सेटिंग प्रोसेस को रिव्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप देखो तो COVID-19 के चलते ऑलरेडी 2020-21 का सिलेबस 9वीं से 12वीं कक्षा का 30% कम हो गया है। फेडरलिज्म सिटीजनशिप नेशनलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी जैसे टॉपिक्स यहाँ पे कम कर दिए गए हैं, और उसके बाद फिर आप जेंडर के आधार पे यहाँ पे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और CBSE जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इंस्टीट्यूशनल स्टीरियोटाइप यहाँ पे डेवलप हो रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि CBSE तो पढ़ाई के फील्ड में इन्वॉल्व है भाई, CBSE करिकुलम बनाता है, अब उस करिकुलम में आप मिसोजिनिस्ट और सेक्सिस्ट क्वेश्चन डाल दोगे तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करिएगा, आप अपनी व्यूपॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दिए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।